हे गुड मॉर्निंग क्या बोलती पब्लिक, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जस्ट मैं उठा और राजेश को भी उठाया क्योंकि आज उसको मैच खेलने जाना है, तो जो भी चीज़ें बची होगी वो जल्दी जल्दी ख़त्म करेगा और रेडी होगा मैच खेलने के लिए। देखते हैं मैच कैसे खेलता है, कैसे बैटिंग करता है, कितने रन मारता है, आखिर में आपको बताऊंगा मैं। राजेश ने लास्ट मैच बहुत ज़्यादा टाइम पहले खेली थी और जब खेली थी तब वीडियो भी शूट किया था, नाइट मैच खेली थी आखिरी बार और उसका एक व्लॉग भी है, अगर आप एकदम नीचे जाके चेक करोगे ना, नाइट मैच टर्न्ड इनटू नाइटमेयर ऐसा टाइटल है उसका। तो वो लास्ट मैच राजेश ने खेली थी, उसके बाद उसने एक भी मैच नहीं खेली है, तो 6-7 महीने बाद वो वापस खेलने वाला है। देखते हैं कैसा खेलता है। एक काम कर, इसको थोड़ा और वो वाइट को भी थोड़ा और स्ट्रेच कर, वो जोकर जैसा हो जाएगा। शोपीस एब्डुलिया मारूंगा 10 गिनूंगा 1। सनी राजेश को पूछ क्या उनको एक विकेट कीपर की जरूरत है। नहीं है भाई, अगर होती तो मैं रेडी हूँ। आज मेरा डेब्यूट नहीं हो पाया, शिट। राहुल फिलहाल टंकी भरने गया है, राजेश भाई गए मैच खेलने और अब हम करेंगे पोचा सारे स्टेयर्स का। गांव से कुछ ऑनियन लेके आए हैं मम्मी, तो वो ऊपर लेके आना है। लेट्स गो। क्वाइट हैवी। यहाँ पे भी क्रिकेट मैच, संडे को सब एंजॉय करते हैं भाई। सही है, पोचा तो हमने मार दिया है, अब हमें एक बहुत लंबा काम करना है। लंबा इन द सेंस बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, आधा घंटा लग जाएगा कम से कम, क्योंकि इस हफ्ते हमने बहुत सारे वीडियोस डाले और उन सारे वीडियोस की हाईलाइट स्टोरी मैं डालूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, मेरे और राजेश के और शायद राहुल के भी इंस्टाग्राम पे। तो जितने भी वीडियोस हमने डाले वो सब की स्टोरीज अभी अपलोड करूंगा मैं। तो इस बार कितने वीडियो डाले, 4 दिन में तो 8 वीडियो डाले हैं, 5 स्टोरीज तो मुझे डालनी पड़ेगी, तो जल्दी से ये काम करता हूँ। आप मानोगे नहीं, 1 घंटा लग गया स्टोरीज डालने में और 5 स्टोरी डाली मैंने अपने अकाउंट पे, 5 राजेश के अकाउंट में। राहुल को सारी स्टोरीज में मेंशन कर दिया और राहुल के अकाउंट पे भी स्टोरीज डल जाएगी। स्टोरी मैं डाल के पागल हो गया हूँ। आखिरी स्टोरी में मैंने लिख दिया लास्ट वन, क्योंकि इतनी अपलोड करके मैं खुद पागल हो गया था। बहुत ज़्यादा स्टोरीज डाल दी यार, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी मैं एक साथ कभी नहीं डालता, सिर्फ वीक के एंड में डालता हूँ क्योंकि सारे ब्लॉग्स की अपडेट देनी पड़ती है तो डाल देता हूँ। ऐसे दिनों में मेरे को राजेश के लिए बहुत ऐसा लगता है कि यार कुछ खाता वाता है कि नहीं, क्योंकि पूरे दिन मैच खेलता है और सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट करके जाता है, वो भी ज़्यादा नहीं, एकदम मीडियम सा, कम भी नहीं करता, मीडियम सा करता है, कम मतलब सिर्फ चाय पी के तो नहीं जाता, कुछ तो दे ही देते हैं हम लोग उसे खाने के लिए। मैं कैसे बोल रहा हूँ, जैसे कुछ तो वो खा के चला ही जाता है, पर ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि इतनी धूप में 7-8 घंटे मैच खेलेगा तो क्या हालत होती है आपको पता है, और ऐसे मैचेस के टाइम पे पानी की बहुत दिक्कत होती है, 1 बॉटल तो पता ही नहीं चलती कब खत्म हो जाती है, इसलिए राजेश 2.5 लीटर वाली बॉटल लेके जाता है, वो ऐसी, देखो राजेश ऐसी बॉटल्स लेके जाता है, आज तो एक ही लेके गया है शायद, मिरिंडा वाली जो अभी अभी हमने खाली की थी। आई होप पानी पूरा पड़ जाए उसको, 20 ओवर की मैच में ही खत्म हो जाता था वो, आज तो 35 ओवर्स की मैच खेलने गया है। तो सनी भैया आ रहे हैं, उनको कुछ काम है तो वो आ रहे हैं अभी, तो मैं, मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं खाना शुरू कर देता हूँ। सो गया ये जहाँ, सो गया आसमां और सो गया रॉकी। पूरा दोपहर टाइम पास करने के बाद अब हम आए हैं रॉकी की वॉक पे। क्या मजा आया है दोपहर को बता, कितना मजा आया है। बहुत मजा आया भाई, बिंज वॉच किया है हमने और इतना मजा आया ना वो एपिसोड्स देख के, मतलब दिल खुश हो गया। कल रात को मैंने जानबूझ के नहीं देखा, मैंने सोचा कल संडे है कल देखेंगे, और आज जो मैंने आराम किया है पूरा दोपहर और जो बिंज वॉच किया है बिग बॉस, मजा आ गया मजा। रॉकी ने राहुल को काट लिया, अभी 2-4 कुत्तों से मैं बचा रहा था उसको और राहुल उसको पकड़ के रखा था तो दांत डाल दिया, देखो डायरेक्ट छेद ही कर दिया अंदर तक। बढ़िया सब्सक्राइबर्स पता नहीं यार। हाँ वो देखो, वो तो जान दो, पर डायरेक्ट छेद कर दिया एक टाइम पे, जब उसने काटा 2-3 सेकंड बाद तो ऐसे लगने लगा कि गया हाथ काम से। अरे नहीं कुछ नहीं, अभी अभी नॉर्मल हो गया। ये जो हादसा हुआ रॉकी और राहुल का, इसमें रॉकी ने राहुल को काट लिया और हमें कोई बात की चिंता नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि रॉकी फुल्ली वैक्सीनेटेड है, उसकी वैक्सीन 2 बार नहीं 3 बार हो चुकी है, सिर्फ 2 ही बार करते हैं पर 1 बार डिले हो गया था, तो 3 बार हमने करवाई है उसकी वैक्सीन, 3 बार 4-4 इंजेक्शन लगी है रॉकी को, और वो 4 इंजेक्शन ये काम की है कि जब भी राहुल जैसे बच्चों को रॉकी काटे, वैसे रॉकी ने मेरे को भी 1 बार काटा है, हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है और उसमें कोई जहर नाम की चीज़ है ही नहीं। बस अगर आपको कोई भी वैक्सीनेटेड डॉग काटे तो आपको क्या करना है,
जहाँ काटा है वहाँ पे सोप लगा के वॉश करना है। इससे क्या है, थोड़ा वो एरिया वॉश हो जाएगा और हाइजीनिक रहेगा इसीलिए। बाकी अगर वैक्सीनेटेड डॉग आपको काटता है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। रॉकी, आज जो आपने अपराध किया है उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? मैंने कोई अपराध नहीं किया सनी, राहुल को बोलना चाहिए तुझे कि उसे हाथ नहीं बीच में डालना चाहिए, क्योंकि मैं अग्रेसिव होता हूँ और जब मैं अग्रेसिव होता हूँ सबको मुझसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो डॉग मेरे पास आ रहा था इसलिए मैं अग्रेसिव था, समझा? बचाने के लिए मैंने तुझे पकड़ा था, समझा? नहीं, मैं नहीं समझा, तुझे मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ, और अगर जो मेरी लड़ाई में कोई बीच में आया तो मैं उसको काट सकता हूँ जैसे मैंने तुझे काटा। जस्ट मैं ऊपर आया, बाल को कोम किया मैंने अभी अभी, अजीब लगता है जब भी मैं वो करता हूँ, पर हाँ जब से राजेश आया मैंने उसको पूछा नहीं कि आज उसने कितने रन मारे और राहुल ने भी नहीं, तो पहले हम लोग गेस करेंगे कि तूने कितने रन मारे और कितने से कितने के बीच में मारे होंगे, मतलब 10 से 20, 20 से 30, क्या लगता है? 40 से 50 के बीच में। 10 से 20 15 रन मारे। मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसका कितना ताकत है और ये कितना मार सकता है वो सब मैं इसको अच्छे से पहचानता हूँ, समझा क्या? जब 250 लगातार मारी थी तब तो जरा मुंह नहीं खुल रहा था ना लगातार। अभी अभी खुला ना, और अभी सही गैस किया ना मैंने 15 रन मारने के लिए, इतने घंटे 8 घंटे बर्बाद किए, इतना ज्यादा राइड किया और अपनी एनर्जी वेस्ट की, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आया मुझे, ऐसा नहीं। ये पोस्ट मैच सेशन चलेगा अब आपके साथ, ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आया, एक बढ़िया छक्का लगा, वो फीलिंग आ गई कि हाँ काफ़ी वन साइडेड मैच था, हमारी टीम जो थी वो बैटिंग सेकंड कर रही थी और 317 या 314 जो है हमको चेस करना था, जो कि रियलिस्टिक है 30 ओवर की मैच थी, तो टेनिस मैच थोड़ी थी कि हाँ, तो सामने वालों ने भी तो मारा भाई, वो बराबर है, पर ऐसा उन जो रन मारे उनमें से बहुत ही ज़्यादा, अभी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो आपको नहीं समझ आएगा, पर इन शॉर्ट ये बोलना चाहूँगा कि जो टीम थी वो काफ़ी न्यू भी थी, हम लोग जो है काफ़ी आउटबीट हो गए, सामने वाली टीम ने हमको काफ़ी अच्छी तरीके से बीट कर दिया, और वैसे जो अंपायर का डिसीजन था उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, पर इधर कोई DRS वगैरह अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन, और इसके आगे आप कुछ कर भी नहीं सकते, बस मुंह लटका के वापस जा सकते हो, झगड़ा करने में भी फायदा नहीं, वैसे झगड़ा मैंने किया, काफ़ी देर गेम रोक के रखा मैंने कुछ बहाने, फालतू में गलत इंप्रेशन पड़ता है, और ऊपर से ऐसा लगता है कि बैटिंग के लिए हम लोग ऐसे रो रहे हैं, पर असल में जब हमको पता है हम इतने टाइम से खेल रहे हैं कि ये चीज़ नहीं आउट है तो फिर लड़ना वाजिब है। तो एनीवेज गाइस, आई होप अगला जो मैच मैं खेलने जाऊँ वो इससे बेटर हो, मतलब वो नाइट मैच में जैसा हुआ था, लास्ट मैच में नाइट मैच ही खेला था, कुछ 5-1 महीने अराउंड हो गए, 6 महीने कुछ हो गए, मैं या उससे भी पहले खेला था वो, आप देखोगे तो माई फर्स्ट नाइट मैच ऐसा करके कुछ टाइटल होगा, मैं यहाँ पे इंडेक्स कार्ड में लिंक भी डाल दूंगा, नाइट मैच टर्न इनटू नाइटमेयर ऐसा था ना कुछ? हाँ ऐसा कुछ था, नाइट मैच टर्न इनटू नाइटमेयर, क्योंकि उस मैच में मैं कितने पे आउट हुआ था ये नहीं बताता हूँ, आप जाके ही देख लो, पर इतना बता देता हूँ कि ये मैच जो नाइट मैच हम लोग ने खेला था उससे अलग था, और आने वाला मैच इससे भी बेहतर होगा, होपफुली मैं अगली मैच 6 महीने से पहले ही खेलने चला जाऊं। अगर आपको देखना है कि मैं अगली मैच कब खेलने जाता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल को दबा दो ताकि मैं आपको नोटिफाई करने आ सकूं कि चलो मैंने मैच खेल लिया है, आप लोग देखो मैंने मैच में क्या किया। ठीक है, एनीवेज गाइस, आई विल सी यू गाइस टुमारो, तब तक के लिए पीस आउट।